हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना, अपने घर होगी। आपकी हर मनोकामना पूरी, इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निशिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, महा का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि महाशिवरात्रि, इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। सके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए, कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा, आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं, वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे
और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए, तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वह 8 मार्च दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, तो ये दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 8 मार्च को, वह है जल। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान शिव जी पे चढ़ने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा अब भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी, इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने रहते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए आपको ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान शिव जी का वो आशीर्वाद आपको मिल जाए जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लिए एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है 8 मार्च को। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही हैं, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान शिव जी का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान शिव जी को जल आपको अर्पित कर देना है।
अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान शिव जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी पे तीन पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। तीन पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 1008 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1000 बार कर लीजिए। ये तीन ऐसी चीज हैं जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिव हरि के पानी से आपको चुना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी चुना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में आप पानी भर के ले गए हैं वह पानी वापस बचाना नहीं है, वो तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस से ले लेना है। मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वो अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वो धारण कर सके, इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये तीन चीजें आपने ले ली, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। दोस्तों इसको घर पे आते ही घर के लोग जो है आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना, सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया, अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वो आपके घर पर कुछ आसान नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करना है, इसको पूजा घर में रख के क्या करना होगा, यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिएगा, मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी वो बाधाएं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अवश्य और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों ये जो लाल पोटली अब भगवान शिव जी की शिवलिंग से छुआ करके ली है, इसको आपको ले जा करके अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, मान के चलिए। दोस्तों भगवान शिव जी का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा महाशिवरात्रि के दिन और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं ये वास्तु शास्त्र से बताए गए हैं, इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आप